मम्मा मम्मा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊँ और मर जाऊँ। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बच्चे डरो मत, मैं किसी भी हाल में तुम दोनों को बचा लूंगी। एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में दो अंडे दे चुकी थी। हे ईश्वर, मेरी दो अंडे में से दो प्यारे प्यारे बच्चे देना, और जब मेरे बच्चे अंडे में से बाहर आएंगे तो मैं अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी, एक को डॉक्टर बनाऊंगी और दूसरे को इंजीनियर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं। आज मेरे अंडे के पूरे 20 दिन हो चुके हैं, लगता है कि आज इस अंडे में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोली रही थी कि तभी दोनों अंडों में से एक बेटी चिड़िया और दूसरा बेटा चिड़ा निकलते हैं। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है और तेज हवा भी चलने लगती है। नम्मा, ये बाहर किस चीज की आवाज़ है और आसमान इतने क्यों चमक रहे हैं? गोलू बेटा, बाहर बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही है और हमारा घर बहुत कमजोर है। पता नहीं इतनी बारिश और हवा में मेरा घर सह पाएगा भी कि नहीं। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि उसका घर जोर जोर से हिलने लगता है, फिर अचानक उसका घर टूट जाता है और तेज हवा चलने के कारण टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे नदी में गिर जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। मम्मा मम्मा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ मम्मा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊँ और मर जाऊँ। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे बच्चे डरो मत, मैं किसी भी हाल में तुम दोनों को बचा लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है और अपने बच्चों के पास जाती है और वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकालती है। मुझे बहुत डर लग रही है, चलो ना मम्मा किसी के घोंसले में चलते हैं। मम्मा चलो ना, कालू अंकल के घोंसले में चलते हैं। हमने अंडे में सुना था यहाँ पर कालू अंकल का पास में ही घर है। कालू कौवा तो बहुत खड़ूस है बेटा, शायद वो अपने घर पर नहीं रहने देगा। चलो फिर भी एक बार जाकर देखते हैं, तुम बच्चों के खातिर मुझे करना होगा। ऐसा बोलकर टुनटुनी उसके दोनों बच्चे कालू के घर में चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया बाहर से दरवाजा खटखटाती है कि तभी कालू बाहर आता है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ पे क्यों आई हो तुम अपने बच्चों के साथ? क्या बताऊँ कालू भैया, बारिश और तेज हवा के कारण मेरा घर टूट कर नदी में बह गया है और बारिश में भीग कर मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ऐसा करो कालू भैया, आप मेरे बच्चों को घर पर रख लो, तब तक मैं किराए के मकान की खोज करती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल आप हमें अपने घर पर रख ले, बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोलू चिड़ा के ऐसे बोलने पर कालू कौवे को उन बच्चों पर दया आ जाती है और वो टुनटुनी से बोलता है, आज तक मुझे किसी ने अंकल नहीं बोला, अंकल शब्द सुनकर तो मेरा दिल नरम हो गया है। आओ बच्चों, घर के अंदर आओ, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर तीनों को देखकर सुंदरी को भी आग बबूला हो जाती है और अपने पति कालू से बोलती है, अरे चिड़िया ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है जो इतनी बारिश में अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई हो, चलो भागो यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। तभी सुंदरी को भी टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं किसी पेड़ का पत्ता लेकर आती हूँ ताकि हम बारिश से बच सके, तुम बस यहीं रुको, मैं यूं गई यूं आई। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया दूर से बहुत सारे पेड़ के पत्ते ले आती है और अपने दोनों बच्चों के सर पर रख देती है ताकि वो बारिश से नहीं भीगे। बच्चों, अब कुछ देर तक तुम लोग इस बारिश में नहीं भीगोगे और बारिश रुकने के बाद मैं घर का बंदोबस्त करूंगी जिसमें हम आराम से रह सके। तभी गोलू चिड़िया भूख से बिलबिलाते हुए कहता है,
मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। मम्मा भोजन ला कर दो मुझे जल्दी से, ताकि मेरे पेट में दर्द बंद हो जाए। ठीक है गोलू बेटा, आप दोनों यहाँ पर रहो, इधर उधर घूमने ना चले जाना, मैं भोजन लेकर आ रही हूँ आप दोनों के लिए। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की खोज में निकल पड़ती है और जाते जाते वो एक जगह देखती है कि एक जादूगर पेड़ के नीचे घायल पड़ा है। ऐसा देखकर टुनटुनी चिड़ियों से बचाने के लिए उसके पास जाती है और काफी सारे पेड़ की पत्तों को इकट्ठा करके उसकी एक दवा बनाती है और वो जादूगर को पिलाती है, जिसे पीने के बाद जादूगर को होश आ जाता है। चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी जान बचा ली। चिड़िया मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बारिश में भीग कर मुझे ठंड भी लगने लगी है। तेज तूफान की वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। ऐसा करो कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। क्या बताऊँ जादूगर जी, बारिश की वजह से मेरा घर टूट कर नदी में बह गया है। अब मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं खुद अपने बच्चों के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ, मुझे माफ करना। अच्छा चिड़िया ये बात है, ये लो चिड़िया जादुई संतरे का बीज, तुम अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को मिट्टी में दबा देना, फिर ये बीज एक संतरे विशाल घर में बदल जाएगा और उसके साथ साथ तुम संतरे की खेती भी कर सकती हो। तुम उस संतरे के घर में अपने बच्चों के साथ आराम से रहना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा जादूगर, लेकिन ये संतरे का घर तो बहुत ही कमजोर होगा, शिकारी चिड़ी संतरे के घर को आसानी से तोड़ देंगी। नहीं चिड़िया, ये संतरे का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा, तुम बेफिक्र होकर इसमें रहो। फिर टुनटुनी चिड़िया उन संतरे के बीजों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक खाली जगह पर उन संतरे के बीजों को मिट्टी में दबा देती है। तभी वहाँ एक बड़ा संतरे का घर प्रकट हो जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर संतरे की खेती भी हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। चलो बच्चों, जादूगर भैया ने हमें जादुई संतरे का घर दिया है, अब से हम लोग इस संतरे के घर में रहेंगे और इन संतरों को बेचकर अपना गुजारा करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे सुनहरियों कुकु खुशी खुशी उस संतरे घर में रहने लगते हैं और संतरे की खेती करके अपना गुजारा करते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कालू कौवा और बहू सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। एक दिन की बात है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती माँ, जाओ अपना इंतजाम कहीं और कर लो। बेटा कालू, ये तू क्या कह रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही ये सब बोलकर? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? अब मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूँ। वैसे ही मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, सुंदरी से भी मैंने बहुत सारा पैसा ले लिया है और ये घर भी उसके नाम है, तो मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाले इमोजी जरूर सेंड कर। कालू बेटा, तूने अपनी माँ का घर सुंदरी के नाम क्यों कर दिया? और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कर्जा चुकाने का, तो मैंने सुंदरी से पैसे ले लिए और ये घर उसके नाम कर दिया। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने 9 महीनों तक अपनी कोख में तुझे रखा है, तू अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा, बहू तो पराई है, कर सकती है कुछ भी, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, ऐसा कैसे कर सकता है तू? बेटा, बड़े नाजों से मैंने तुझे पाला था। माँ जी, ससुर जी के जाने के बाद से हम दोनों भी तो आपको पाल रहे हैं, हिसाब बराबर हो गया, अब जाओ यहाँ से और हम दोनों को जीने दो। अरे बहू, रात का समय है, बाहर बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी बहू, ऐसा अनर्थ मत करो, इस लाचार पर मुझे आज रात और यही रहने दो, मैं कल सुबह यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन दोनों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई। ठंड काफी थी, टुनटुनी चिड़िया से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
हे ऊपर वाले, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो उठा ले भगवान, बुला ले अपने पास। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? मेरे पति तो सालों पहले मर गए और मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इससे अच्छा होता तो मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो लानत है ऐसे बच्चों पर जो लाचार माँ को ऐसी ठंड में अकेला छोड़ देते हैं। अब मुझे अपने पास बुला ले भगवान, मैं हार चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। ठंड की वजह से टुनटुनी चिड़ियों को बुखार आ जाता है। वो बेहोश हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। अगली सुबह सुनहरी नाम की एक चिड़िया ने उसे आकर उठाया। आंटी उठो आंटी, यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हो? आंटी आपका कोई घर नहीं है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है बेटा। मेरे बेटे बहू ने मुझे रात को ही ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको तो बुखार है आंटी, यहीं पास में मेरा घोंसला है, आप चलो मेरे घोंसले में। टुनटुनी सुनहरी के साथ उसके घोंसले में चली जाती है। आंटी आप यहाँ पर सो जाओ, मैं अभी आपके लिए डॉक्टर बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। सुनहरी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के पास से दवा लाकर टुनटुनी चिड़िया को देती है। दादी ये दवा पी लो, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दो दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया का बुखार पूरी तरह से उतर गया। तभी टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया से कहती है, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? टुनटुनी आंटी मेरा नाम सुनहरी चिड़िया है और मैं अनाथ हूँ। जंगल के अमीर पक्षियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। सुनहरी बिटिया, आज से तो अनाथ नहीं तो मुझे अपनी मौसी कहकर बुला सकती है। और आज से तो भीख नहीं मांगना, जब भगवान ने हमें पूरा सही सलामत पैदा किया है तो हम दूसरों से भीख क्यों मांगे? मुझे पेड़ के पत्तों से जूते बनाने आते हैं, मैं तुझे जूते बनाकर दिया करूँगी और तू बाजार में उसे बेच देना। ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी मौसी, मैं अभी आपके लिए पेड़ से पत्ते लेकर आती हूँ, आप उसके जूते बना देना। वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है, हमारे पत्तों के जूते खूब बिक जाएंगे। उसके बाद सुनहरी चिड़िया पेड़ से पत्ते तोड़कर लाती है और टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया एक ही रात में पत्तों से जूते बना देती है और अगली सुबह सुनहरी चिड़िया उसे बेचने चली जाती है। जूते ले लो जूते, हरे हरे जूते ले लो, ठंड से बचने वाले जूते ले लो। सुनहरी की आवाज़ से जंगल के पक्षी उससे जूते खरीद लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया के बनाए जूते एक ही दिन में बिक जाते हैं। टुनटुनी मौसी देखो, ठंड में कितनी जल्दी सारे जूते बिक गए, ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं बेटा, तूने भी तो कितना साथ दिया है मेरा, तेरे बिना मैं सब नहीं कर पाती। टुनटुनी मौसी हमें आपका घर भी तो वापस लेना है, आपके बेटे और बहू से। टुनटुनी चिड़िया ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के साथ वो अपने घर पहुंच गई। पुलिस को देखकर सुंदरी और कालू नाटक करने लग जाते हैं। वो टुनटुनी चिड़िया से कहते हैं, अरे आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको बहुत ढूंढा पर आप कहीं नहीं मिली। तभी सुनहरी चिड़िया कहती है, कालू अंकल आपकी माँ ने सारी बातें मुझे बता दी हैं, किस तरह आप दोनों ने मिलकर इन्हें इनके ही घर से बाहर निकाल दिया था। अब निकलने की बारी आपकी है, आप दोनों जल्दी से इस घर से बाहर चले जाइए वरना मैं आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुनहरी चिड़िया के मुँह से सारी बातें सुनकर सुंदरी कौवी अपनी सास टुनटुनी से माफ़ी मांगने लगी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आपकी सेवा करूँगी, आप जो कहेंगी वही करूँगी, हमें घर से मत निकालिए माँ जी। सुनहरी इसे अक्ल आ गई है, हम इसे पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। लेकिन सुंदरी तुम्हें मैंने माफ भी नहीं किया है, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। पुलिस के डर से सुंदरी और कालू घर से निकल जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और पत्तों के जूते बनाने का काम शुरू कर देती है।